मामी जी, ये साध्वी जी तो चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? इन्हें बीच रास्ते में ना किसी बड़ी बात का अंदेशा हो गया था, शायद लगता है कि इस घर में कोई गड़बड़ी है, इसीलिए आधे रास्ते से वापस लौट आई है। मालकिन, हमें लगता है ना कि साध्वी जी को कौरी के बारे में तो नहीं पता चल गया। आप साध्वी जी बताइए ना, क्या आभास हुआ है आपको? बताते हैं। गंगा, इधर आ। जी। जी, मेरे पैर दो। पैर? हम आपके पैर धोएंगे। हमारा मतलब है कि हम नौकर को बुला देते ना। क्यों, तुम्हें हमारे पैर धोने में कोई समस्या है? ठीक है, हम धो देते आपके पैर। क्या हमारा तो मन कर रहा है ना कि साथी को ही पकड़ के अपने मुक्कों से धो दें। साथी जी के ऊपर तो मलबा गिरने वाला है। ये क्या बदतमीजी है? जब देख रही थी कि ऊपर से मलबा गिर रहा है तो बता नहीं सकती थी? इतना धक्का मारने की क्या जरूरत थी? तुम कब तक उतना? इस बच्ची ने हमारी जान बचाई है, इसे मत डांटो। तुम्हारा बहुत बहुत आभार बेटा। ना जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि महादेव ने तुम्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है। इसे हम महादेव का आदेश मानते हैं। इसीलिए जब तक हम इस घर में रहेंगे तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी अंगरक्षक बनकर। लेकिन साध्वी जी, ये नौकरानी? ये हमारा आदेश है। चलो लड़की, हमारे साथ चल। हमसे पैर धुलवाने चली थी, भगवान ने तुरंत के तुरंत मलबा गिरा कर इसे सजा दे दी। इसकी जान चली जाती ना तो ही अच्छा होता।
हम आपकी पैर की चोट के लिए दवाई लेकर आते हैं। बेटा, तुमने अपनी मांग में सिंदूर लगाया है, तुम्हारा पति कहाँ है? तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, भूल गई तुम? हमने तुम्हें कैसे श्राप दिया था? अब हम गर्व को भी श्राप दे देंगे। अगर हमने इन्हें सच बता दिया तो कहीं ये सच के बदले में गर्व जी को श्राप ना दे दे। नहीं, हम गर्व जी पर मुसीबत नहीं आने दे सकते। साध्वी जी, वक्त आने दीजिए, हम आपको सारी बातें बताएंगे। और आपको भूख लगी होगी ना, हम आपके लिए फल काट कर लेकर आते हैं। ना जाने क्यों ये बच्ची हमें इतनी पसंद आ रही है, क्यों हम इसके बारे में इतना जानना चाहते हैं? इसके भोली शक्ल के पीछे ना जाने कितने दर्द छुपे हुए हैं, लेकिन आंखों में उन दर्द से लड़ने का हौसला भी दिखाई देता है हमें। इस बच्ची ने हमें बचाकर जीवन दान दिया है, हम भी प्रण लेते हैं कि हम भी उसे हर वो चीज दिलवाएंगे जो इसे चाहिए। शकुंतला, गर्व के जीवन पर आए हुए संकट को टालने के लिए हमें बसंत पंचमी के पावन पर्व पे महादेव की पूजा करनी होगी, और हमें विश्वास है गर्व पे आया हुआ संकट कट जाएगा। साध्वी जी, आप हमारे बेटे के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रहे, इसके लिए हमें महादेव के मंदिर को अच्छे से सजाना होगा, दिए बनाने होंगे और कमल के फूल मंगाकर गंगा जल से धोकर शुद्ध करना होगा, फिर हम वो फूल महादेव को अर्पित करेंगे। जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साध्वी जी, सारा इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि ये पूजा गर्व के लिए है तो सारा इंतजाम उसकी धर्मपत्नी गंगा करेगी। जी है, इस औरत का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतना काम कैसे करेंगे हम? हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या समस्या है? वो हाँ, सब्जी काटते वक्त ना हमारा हाथ कट गया था। अपना हाथ दिखाओ। हाँ, देखिए ना, अभी तक खून निकल रहा है। शकुंतला, अगर गंगा के हाथ में चोट है तो ये पूजा कैसे होगी? हम सजा देंगे मंदिर। तुम किस हक से करोगी? पत्नी होने के। पत्नी होने के नाते ना सही, भोलेनाथ जी की भक्त होने के नाते हम मंदिर सजाएंगे। इतनी छोटी सी चोट लगी है, कोई बहुत बड़ा घाव नहीं है, क्या तुम ही करोगी? गौरी नहीं, छोटी सी चोट है तो क्या हुआ मालकिन, हमें बहुत दर्द हो रहा है,
नहीं कर पाएंगे। तुम अपनी औकात भूल गई हो शायद। झोपड़े से आई थी बुनकर बस्ती के, अब महलों में रह रही हो तो तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए? मालकिन आप गंगा दीदी को मत डांटिए, हम मंदिर सजा देंगे, बस साध्वी जी हमें आपकी अनुमति चाहिए। ठीक है, अनुमति है। लेकिन याद रहे, ये पूजा एकदम ईमानदारी से होनी चाहिए और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर है, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, गौरी के होते हुए कोई विघ्न नहीं आएगा। देखा गर्भ जी, भगवान भी चाहते हैं कि ये पूजा हम करें आपके साथ, और हम ये चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के दिन हम आपके मन में अपने लिए मौजूद सारी नफरत को खत्म कर दें, और हमें भरोसा है हम आपके दिल से नफरत का नामो निशान मिटा कर रहेंगे। अब काका उधर देखिएगा, वहां कोई और सामान तो नहीं रह गया? नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप बाकी की साफ सफाई कर दीजिए। बेटा जी मामा, ये पूजा के लिए कमल के फूल है। जी मामा। रुको रुको, गवाह है गंगा, काम चोरी से ना कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अब उदाहरण के रूप में खुद को ही देख लो, काम चोरी करने की वजह से साध्वी जी की सारी वाहवाही ना गौरी को मिलेगी। और वैसे भी हमको ना तुमसे उम्मीदें बहुत कम थी, और ऊपर से तुमने ये चोट का जो बहाना किया है ना, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना तुमसे, उसको एकदम गोबर से लीप पोत दिया है। अब देखना साध्वी जी कैसे गौरी की जय जयकार करती है। आप सही कह रही हैं, जय जयकार तो होगी, लेकिन गौरी की नहीं, गंगा की। यहाँ मेहनत भले ही गौरी कर रही है, लेकिन उस मेहनत का श्रेय हमें जाएगा। देखते रहिए कैसे थोड़ी देर में हमारी पीठ थपथपाई जाएगी। वो कैसे? दिमाग लगाकर, जो आपके पास नहीं है। का करने वाली है? नजरें ना काम पर रखो, मैं तो दोनों की आंखें निकालूंगा, समझे? निकलो। और उठो। कपड़े तो ढंग से पहन लिया करो, घर के नौकर तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। हमें माफ कीजिएगा, वो काम की वजह से ध्यान नहीं गया। एक बात पूछनी है, आपको तो हमसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनके खूनी से आपको जलन क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे मर्यादाओं की समझ है कॉली, तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो मैं वही करता, समझी? गर्व जी, ये जो आपके दिल के कोने में हमारे लिए प्यार छुपा हुआ है ना,
जिसे आप पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं, उसे ही तो दुनिया के सामने लाना है। कोयनाची की माया देखिए कि मंदिर सजाने का सौभाग्य आपकी असली पत्नी को ही मिला। गौरी, तो ये थी तुम्हारी सच्चाई। कौन सी सच्चाई? यही कि तुम भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हो और भोलेनाथ तुमसे ये काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला रची। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पूजा में देर ना हो जाए। जी। जैसे ही ये लीच गौरी को काटेगी तो गौरी इन फूलों को धोने जाएगी, जिसके बाद चलेंगे हम अपनी असली चाल। अब इन फूलों से मंदिर सजा देते हैं, फिर सारी तैयारी पूरी। फूलों में तो लीच है, अब हम क्या करें? हमें जल्दी से इन फूलों को साफ करना होगा। चलो शुरू करते हैं प्लान बी। गौरी, ये सब क्या है? गौरी, हमने तुम्हें कहा था ना कि हमें पूजा जल्दी करनी है, और तुमने तो अभी तक पूजा की तैयारी शुरू नहीं की। माधवी जी, हम तैयारियां ही कर रहे थे, हमने देखा कि फूलों में लीच है तो वही निकालने के लिए गए, वापस आए तो देखा सब बिखरा हुआ है। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, हम पूजा कैसे करेंगे? तुम ना महान बनने के लिए आगे आगे आ जाती हो, काम तो होता नहीं है कुछ तुमसे। हमने हमारे बेटे की सुरक्षा के लिए पूजा रखी है, अगर उसमें कोई विघ्न आया ना तो हम तुम्हारी पूजा में कोई रुकावट नहीं आएगी। पूजा अपने मुहूर्त के समय पर ही होगी। हमारे पति के सलामती के लिए हम अपने कटे हाथों से ही सजावट करेंगे। हमारे पति की जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। वाह गंगा बेटी, ये होती है असली धर्म पत्नी। अब चलो जल्दी से तैयारी पूरी कर लो, मुहूर्त निकला जा रहा है। बिंदा, मदद कर दो गंगा की। और सुन छोरी, अब तू इस पूजा से दूर ही रहना। क्योंकि हमारा एक नियम है, जो पूजा खराब करता है हम उसे पूजा में रहने नहीं देते।
भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? भोलेनाथ, आप भी जानते हैं कि हम आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे साथ अनर्थ नहीं होने देंगे। पूजा में गर्भ जी के साथ गंगा दीदी को नहीं बैठने देंगे आप। हमें आपके चमत्कार की जरूरत है प्रभु। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.